हेलो दोस्तों, अग्रवाल लाइटिंग इंडस्ट्री में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज आपको आप देख रहे होंगे जैसे कि ये कंसील लाइट है। कंसील लाइट किस तरीके से बनाते हैं और कितना आसान है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें इसमें सामान की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, ये सबसे पहले एक हमें इसकी बॉडी चाहिए जिसको अपन हाउजिंग कहते हैं। ये हमारी एल्युमिनियम बॉडी है। दूसरा इसका ये बॉडी का सामान है, जैसे ये स्प्रिंग है, इसके ये लॉन्ग वायर हैं, एक ड्राइवर है LPF और एक अपने MCPCB है 9 वाट। वही 9 वाट MCPCB है जो अपने 9 वाट बल्ब के अंदर इस्तेमाल होती है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से और ज़बरदस्त रोशनी के साथ ये आपका बनकर तैयार होगा। चलिए हम इसकी प्रोसेस चालू करते हैं। इसमें हमें डबल साइडेड टेप की ज़रूरत होगी। तो देखिए, ये हमारा डबल साइडेड टेप है, ये भी हमें अभी ज़रूरत इसकी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं कि ये आप देख रहे होंगे लॉन्ग वायर, इस लॉन्ग वायर पे हमें यहाँ पे पेस्ट थोड़ा सा लगाएंगे। ये हमारे AC सप्लाई के तार हैं और ये MCPCB की। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे AC सप्लाई के तार हैं, यहाँ पर हम सोल्डर आयरन की सहायता से इन तारों को सोल्ड कर देंगे। देखिए, अच्छी तरह से सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने के बाद हम इधर से इन दोनों तारों को काट के अलग कर देंगे। ये देखिए, अब हमारा ये ड्राइवर लॉन्ग वायर का हो चुका है। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये बॉडी है, तो बॉडी में इधर से ये कट लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डबल साइडेड टेप ड्राइवर के पीछे के हिस्से में इस पर चिपकाएंगे और चिमटी की सहायता से इसके टेप को साफ़ कर देंगे। और साफ़ करने के बाद हम LPF ड्राइवर इसका इस बॉडी के अंदर अच्छी तरह से चिपका देंगे। अब हम ये MCPCB वाले वायर इस बॉडी में से बीच वाले छेद से निकालेंगे और निकाल के और इसको यहाँ पर सेट करेंगे। आप देख रहे होंगे ये दो छेद हैं, इसमें यहाँ पर स्क्रू की सहायता से हम इसको कस देंगे। ये देखिए, ये हमारे दोनों पिच अभी हम लगा के इसको कस देते हैं। ये हमारी बॉडी पे कस चुकी है। कसने के बाद अब आप देखेंगे कि ये स्प्रिंग हम इस पर लगाएंगे। स्प्रिंग लगाने का कई लोग नहीं लगा पाते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि कैसे लगाना है। आप देख रहे होंगे कि इसका ये हिस्सा है, इसको हम इस तरीके से इसमें नीचे फंसाएंगे और नीचे फंसाने के बाद ये हम इसमें इस तरीके से फंसाएंगे। ये जो स्प्रिंग बचेगी इसको हम फंसा के नीचे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम इस दूसरी स्प्रिंग को भी इसमें फंसाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। ये हमारी स्प्रिंग इसमें फंस चुकी है और फंसने के बाद हम इसके ये स्प्रिंग में ये फंसा देंगे। ये आप देख रहे होंगे कि हमारी ये लग के तैयार है। अभी हमें क्या करना है कि जैसे ये वायर लॉन्ग है तो आप इसको थोड़ा सा अंदर कर दीजिए, क्योंकि तो इतनी वायर की हमें ज़रूरत नहीं है। और MCPCB को अब इस पर अपन फिट करेंगे। इसको फिट करने के लिए हम सिलिकॉन पेस्ट लेंगे, हीट सिंक कंपाउंड है ये। और इसका कार्य क्या रहता है दोस्तों कि MCPCB में जितनी हीट होती है उस हीट को इस एल्युमिनियम बॉडी में फैलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी इसके दो उपयोग हैं, एक तो इसको ये MCPCB को चिपका के रखेगा, दूसरा इसके अंदर जितनी भी हीट बन रही है उस हीट को, MCPCB की हीट को बॉडी के अंदर फैला देगा, जिससे हमारी MCPCB ज़्यादा हीट नहीं होगी और लॉन्ग लाइफ बनी रहेगी। उसके बाद हम वही साधारण तरीका, यहाँ थोड़ा सा वायर पे पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। ये प्लस वाला तार हम प्लस पे लगाएंगे, प्लस पॉइंट पे अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करना है। और ये माइनस वाला वायर, वाइट वाला जो आप देख रहे हैं, ये माइनस का वायर है,
इसको हम माइनस पे सोल्डिंग कर देंगे। इसको इतना करने के बाद आपका कंसील लाइट लगभग लगभग ये तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद हम एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग करने का वही तरीका है, टेस्टर चिमटी की सहायता से हम इसको जला के देखेंगे। ये हमारा चालू है। अब हम इसका डिफ्यूज़र देखिए, अब हमारा ये कंसील बिल्कुल बन के तैयार है, हमारी टेस्टिंग भी हो चुकी है। अब हम इस पर ये डिफ्यूज़र लगा देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको हम इस पर रखेंगे और इस तरीके से पंच कर देंगे। आप देख रहे होंगे ये कंसील लाइट हमारी बन के तैयार है। और एक बार हम इसकी और टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त उजाला है। आप हमारे यहाँ से ये कंसील लाइट बनाने का मटेरियल, सारा मटेरियल, या 9 वाट बल्ब का मटेरियल, या AC-DC बल्ब का मटेरियल, या किसी भी टाइप के LED बल्ब से संबंधित रॉ मटेरियल उपलब्ध आपको मिलेगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।